टाटा की छोटी एसयूवी पंच काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और लॉन्चिंग के बाद से लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टाटा पंच के अलग अलग जो वेरिएंट है उसके अनुसार इनकी ऑन द रोड प्राइस क्या है। जैसा आप जानते हैं कंपनी इसकी एक्स शोरूम प्राइस है वो आपको बताती है और आप जिस स्टेट में रहते हैं उसके हिसाब से इसकी ऑन रोड प्राइस उससे काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आज की इस वीडियो को यदि आप पूरा देखेंगे तो टाटा पंच की ऑन रोड प्राइस को आप आसानी से समझ पाएंगे और आप अपना बजट है वो मैनेज कर पाएंगे। नमस्कार प्यारे मित्रों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि टाटा पंच से जुड़ी हुई छोटी से छोटी खबर आप तक पहुँचती रहे। साथियों, अप्रैल 2022 का महीना चल रहा है, पंच लॉन्चिंग के बाद से काफ़ी बार इसकी प्राइस भी बढ़ चुकी है। अब जो वास्तव में करंट प्राइस है उसके अनुसार यदि इनके अलग अलग वेरिएंट की बात करें तो इनका जो बेस्ट मॉडल है प्योर नाम से आता है। प्योर की एक्स शोरूम प्राइस और ऑन रोड प्राइस में कितना कुछ फर्क है उसकी बात करें तो एक्स शोरूम प्राइस सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं प्योर जो बेस्ट मॉडल उसकी एक्स शोरूम प्राइस 5,67,900 रुपये हैं, 5,67,900 रुपये हैं। अब ये ऑन रोड प्राइस तक आते आते लगभग 6,60,000 रुपये तक चली जाती है, जिसमें यदि रोड टैक्स या दूसरा कहें तो जो आरटीओ के नाम का खर्चा है, आमतौर पर रोड टैक्स अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है लेकिन जनरली हम 10% मान के चलें तो लगभग 60,000 रुपये आपको लगेंगे, क्योंकि 2-3 हज़ार रुपये प्रोसेसिंग फ़ी वगैरह और उसमें ऐड हो जाती है और इंश्योरेंस के हमने 32,000 रुपये जोड़े हैं। तो इस तरह से देखें तो यदि आप टाटा पंच का सादा शुदा मॉडल ले रहे हैं, बेस्ट वेरियंट ले रहे हैं जो वास्तव में वैल्यू फॉर मनी भी है, तो उसकी आपको 6,60,000 रुपये की जो है वो व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। अब यदि क्योंकि आप नई कार ले रहे हैं तो कुछ तो आपको अलग खर्चा करना ही पड़ेगा, कुछ एसेसरीज तो आप न चाहते हुए भी लेंगे तो 20,000 रुपये वो भी आपको खर्च करने पड़ेंगे। तो उससे मिला करके बात करें तो 6,80,000 रुपये में टाटा पंच का बेस्ट मॉडल आपको मिल सकता है। वहीं यदि आप इसके साथ रिदम पैक खरीदेंगे, जैसा कि आप जानते हैं टाटा ने अपनी पंच के साथ अलग अलग पैक दिए हैं, चाहे आप रिदम खरीदें या डीजल खरीदें, उस पैक के बारे में हमने एक अलग वीडियो में जानकारी दे दी है, उसको यदि आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, उसे देख लीजिए। इस वीडियो में केवल हम ऑन रोड प्राइस की ही बात करेंगे ताकि वीडियो अनावश्यक रूप से ज़्यादा लंबा ना हो। साथियों, कहीं कहीं आपको यदि ऐसा लगता हो कि प्योर है वो काफ़ी ज़्यादा सादा है और उसमें ज़्यादा जो चीज़ें आपको चाहिए उसकी थोड़ी कमी है, तो आपको चलना चाहिए एडवेंचर की तरफ। पंच का जो दूसरा मॉडल है उसका नाम एडवेंचर है। एडवेंचर मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों गियर बॉक्स में आता है। एडवेंचर यदि आप मैनुअल खरीद रहे हैं तो एक्स शोरूम प्राइस 6,52,900 रुपये हैं, 6.53 लाख से मान सकते हैं, और यदि इसमें रोड टैक्स या आरटीओ का खर्चा मान के चलें तो 69,000 तक इसमें आपको खर्चा करना पड़ेगा और इंश्योरेंस के पेटे भी आप 35,000 रुपये खर्च करेंगे। इस तरह से यदि आप एडवेंचर खरीद रहे हैं तो आपको टोटल 7,57,000 रुपये के लगभग खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन कहीं की जैसा हमने कहा, जो शुरुआत के दो मॉडल हैं वो चाहे हम प्योर की बात करें या एडवेंचर की बात करें तो उसमें कुछ न कुछ कमी आपको लगेगी, लिहाजा आपको कुछ एसेसरीज तो खरीदनी ही पड़ेगी। तो 20,000 रुपये हम एक्स्ट्रा मान लेते हैं कि आपको खर्चा करना पड़ेगा, तो ये लगभग आपको 7,80,000 रुपये में मिल जाएगा। वहीं यदि आप एडवेंचर मैनुअल के साथ रिदम पैक खरीदना चाहते हैं तो ये लगभग 8,00,000 में आपको पड़ेगा, एडजेक्ट कहें तो 7,96,000 के आसपास या 8,00,000 हम इसे मान सकते हैं। पर नहीं आपको तो जनाब चाहिए ऑटोमेटिक गाड़ी, तो एडवेंचर का ऑटोमेटिक वेरिएंट आपके लिए उपलब्ध है। एक्स शोरूम प्राइस 7,12,900 रुपये में, उसमें यदि रोड टैक्स या फिर कहें कि आरटीओ का खर्चा जोड़ लें 75,000 और इंश्योरेंस पेटे 38,000 को मिला लें तो टोटल आपको 8.25 लाख का खर्चा करना पड़ेगा, 8,25,000 रुपये आपको यहाँ खर्च करने पड़ेंगे। वहीं यदि कुछ एसेसरीज आपको खरीदनी हो तो 20,000 रुपये में यदि जोड़ दूँ तो 8,45,000 रुपये में आपको ये गाड़ी मिल जाएगी। तो इस तरह से देखें तो दोनों ही प्योर और एडवेंचर काफ़ी ज़्यादा कमाल के फीचर से लोडेड गाड़ियां हैं और यदि आपको सेफ्टी को ध्यान में रखना है तो कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है इनके टॉप मॉडल और बेस मॉडल में, क्योंकि पूरी गाड़ी ही बहुत ज़्यादा सेफ है। तो आप इन दोनों वेरिएंट की तरफ जा सकते हैं, इनमें से एक पसंद कर सकते हैं बजट को ध्यान में रखते हुए। पर नहीं साहब, बजट का तो इशू ही नहीं है, आपको तो चाहिए कंप्लीट सेकंड टॉप मॉडल होता था काजीरंगा एडिशन लॉन्च होने से पहले। हालांकि काजीरंगा एडिशन है वो क्रिएटिव का ही एक पार्ट है। खैर साथियों, कंप्लीट यदि आप खरीद रहे हैं मैनुअल गियर बॉक्स के साथ
तो इसकी जो एक्सोरूम प्राइस है वो 7,42,900 रुपये हैं, 7,42,900। और इसमें यदि रोड टैक्स या आरटीओ के पेटे खर्चा मिला लें तो लगभग 78,000 और इंश्योरेंस पेटे 39,000 को मिला लें तो ये गाड़ी आपको लगभग 8,60,000 रुपये में मिल जाएगी। अब यदि आप इसमें कुछ एसेसरीज खरीद रहे हैं तो ये 8,70,000 या 80,000 तक आपको मिल सकती है। इसी तरह से यदि आप अकम्पलिस्ट का ऑटोमेटिक वेरियंट खरीद रहे हैं तो आपको जो बजट है वो थोड़ा ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स शोरूम प्राइस अकम्पलिस्ट ऑटोमेटिक की 8,02,900 रुपये हैं, यानी 8,03,000 रुपये के आसपास हम मान सकते हैं। इसमें रोड टैक्स 84,000 हम मान के चले और इंश्योरेंस के पेटे 41,000 को माने तो ये 9.28 लाख में आपको मिलेगी, 9,28,000 के आसपास आपको बजट खर्च करना पड़ेगा। और यदि आप इसमें कुछ और एक्स्ट्रा खर्च करना चाहें 10,000 से 20,000 उस हिसाब से इसमें और खर्चा जुड़ जाएगा, लेकिन क्योंकि अकम्पलिस्ट सेकंड टॉप मॉडल है काफ़ी ज़्यादा फीचर ऑलरेडी इसमें लोडेड है तो आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप यदि इसमें रिदम पैक साथ में खरीद रहे हैं तो आपको जो अकम्पलिस्ट मैनुअल है वो 8,65,000 रुपये मिल जाएगा, वहीं अकम्पलिस्ट मैनुअल के साथ यदि आप डीजल पैक खरीद रहे हैं तो वो 9,11,000 रुपये के आसपास आएगा। इसी तरह से साथियों क्रिएटिव वेरियंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा लोग इसे भी पसंद कर रहे हैं क्योंकि इसमें फीचर काफ़ी शानदार दिए हुए हैं। और यदि एक्स शोरूम प्राइस की बात करें क्रिएटिव मैनुअल की तो 8,41,900 रुपये हैं, रोड टैक्स इसमें मान के चलें लगभग 88,000 और इंश्योरेंस पेटे 42,000 मान के चलें तो कहीं ना कहीं आपको ये मिलेगी 9,72,000 रुपये में। इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम ये मान सकते हैं कि यदि आप इसमें IRA टेक्नोलॉजी इंस्टॉल करवाते हैं तो आपको ये 10,06,000 रुपये में पड़ेगा। इसी तरह से साथियों बात करें क्रिएटिव के ऑटोमेटिक वेरिएंट की तो क्रिएटिव ऑटोमेटिक का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 9,01,900 रुपये हैं और रोड टैक्स हम 94,000 मिला लें, इंश्योरेंस 45,000 मिला लें तो ये आपको 10,40,000 रुपये में पड़ जाएगा। लेकिन कहीं कहीं आपको लगता है कि नहीं साहब हमें तो क्रिएटिव ऑटोमेटिक वो भी IRA टेक्नोलॉजी के साथ चाहिए तो वो आपको 10,74,000 रुपये में मिलेगा। इसी तरह से हाल ही में लॉन्च हुए काजीरंगा एडिशन की बात करें तो काजीरंगा का मैनुअल जो ऑप्शन मैनुअल गियर बॉक्स है उसकी एक्स शोरूम प्राइस 9,18,900 रुपये हैं, उसमें यदि 95,000 हम रोड टैक्स या RTO पेटे खर्चा माने और इंश्योरेंस पेटे 45,000 रुपये खर्चा माने तो कुल मिला के आपको 10,60,000 रुपये में काजीरंगा एडिशन मिल सकता है, जो कमाल का है और सब लोगों की पहली पसंद है निश्चित तौर से। वहीं आपको यदि टाटा पंच का टॉप मॉडल खरीदना है, बजट का कोई इशू नहीं है, आपको तो बेस्ट जो है सबसे जो महंगी या शानदार टाटा पंच खरीदनी है तो आप काजीरंगा का ऑटोमेटिक वेरिएंट खरीद सकते हैं जिसमें इसकी ऑन रोड प्राइस 10,94,000 तक आएगी, क्योंकि 9,48,900 रुपये इसकी एक्स शोरूम प्राइस है, लगभग 1,00,000 या 99,000 हम रोड टैक्स माने और इंश्योरेंस के पेटे यदि 46,000 मिला लें तो ये आपको 9,94,000 ऑलमोस्ट हम ये मान सकते हैं कि 11,00,000 रुपये में काजीरंगा ऑटोमेटिक पंच आप अपने घर ले जा सकते हैं। साथियों हाल फिलहाल में टाटा की कारें खूब बिक रही है, लेकिन उसके बावजूद टाटा भारतीय कार मार्केट में जो अपना शेयर परसेंटेज है उसे और बढ़ाने के लिए हाथ पांव मार रहा है, लिहाजा अप्रैल में भी वो काफ़ी शानदार डिस्काउंट ऑफर अपनी विभिन्न कारों पर दे रहा है। अगले वीडियो में हम आपको टाटा मोटर्स द्वारा दिए जाने वाले डिस्काउंट ऑफर की जानकारी देंगे, जिसमें यदि आप पंच खरीदने हैं तो कितने रुपये बचा सकते हैं, या टाटा की कोई भी और चाहे वो एल्ट्रोज हो, नेक्सन हो, टियागो, टिगोर कोई भी आप खरीद रहे हैं तो उसमें आपको काफ़ी बचत करने का अवसर मिलेगा, तो वो डिस्काउंट ऑफर वाला वीडियो हम लेकर के आ रहे हैं। आशा है आपका साथ बना रहेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।